एक्टर है वो ना राइट साइड से ज्यादा ताकत लगा है, तुम्हारा जो नहीं लगा पाया वो मान लो हमारी बात, तो कैसे ही नहीं जीत पा रहा महिंद्रा से आज। आज अब यार लेके आओ तो पिलाऊ नेर पैसे पिलाऊ। आप लेके आए थे मान रहा हूँ, मैं ही लेके आओ तो, लेकिन जो ताकत कम लगा है महिंद्रा ताकत ज्यादा लगा भाई। हमने 13 की मशीन चलाई बात है, 80 भी अब उदाई, हमने भी 9 की चला ली बात। अरे बात उतनी सी चलाई, बाकी प्राण उतते ही होंगे, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, जही अपन जही देख ले कर लो, जही टोचन मान लो मेरी बात कर लो तुम तो, और फिर हार गाओ तो क्या करोगे तुम, जब जबकि जब देखेंगे हार नहीं सके भैया। अरे जब मैं केरा वारा रहा भाई, मान लो तुम्हारे जो बात पैसा ताकत ही नहीं लगा है बिल्कुल यार, हमने चार दो ही पहिया पीछे के ताकत लगा है यार भाई। भैया दादा बहुत भयंकर चल रहा है लगा के यार, जो हो जाएगा जी और हार गए तो कर दो तुम, मुझे बताओ बस। दंगे 100 रुपया 100 रुपया नहीं, तुम तो बात की बात इतने देख के बात करो, तुम तो बात की बात बताओ, जो ट्रैक्टर तुम रहे हो वो मेरे हो, वो महेंद्र खड़ा हो सामने, अगर हार गाओ तो फिर का दोगे तुम, जा बताओ। 100 रुपए से हो जाओ, और 100 रुपए से 100 रुपए नहीं, मेरे ट्रैक्टर के नए अखर के टायर में मैं निपटा हूँ, 100 रुपया 500 रुपया ही शर्त हो जाए नहीं, आओ और हो गई फिर शर्त लग गई। चलो बे आ गए भाई, अच्छी रही भाई साहब भी अच्छे टाइम पे आ गए, आ गए भाई साहब भी, उनसे ही पूछ ले रहा है और सही बात क्लियर हो जाएगी भाई साहब। हमारे अरुण भाई को कहना है वो कि महेंद्रा जाते नहीं जीत पाओ फटफट आ जाए टोचिंग में, के कछु में ही नहीं जीत सके, ना ट्राली में जीत सकता और ना जीत सकता टोचिंग में, कैसे ही करके अब बताओ क्या होगा, आप बताओ। तो तुम लड़ पड़े कि जिन्हें लड़ाना चाह रहे हो, हम तो जैसे सोच रहा है हमरो महेंद्र जीते है, हमें पत पक्को पत हो, अब जाको निर्णय तुम करोगे करने का है, कैसे साबित होगी यह चीज का जाए महिंद्रा ज्यादा ताकतवर है गो या जो है गो आई सर। तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है, इसका समाधान निकालना ही पड़ेगा, अगर ऐसी बात है तो लड़ा लेते हैं, कोई बात नहीं है। साथ में 500 की शर्त भी है हम दोनों के बीच में, मतलब पार्टी भी साथ में होगी। तो भैया एक और नए मुकाबले की उद्घोषणा हो चुकी है सोनू मीना द्वारा, तो इस परिस्थिति का फायदा उठाते हैं इनकी लड़ाई को एक कॉम्पिटिशन में बदल के और मुकाबला रखते हैं इनके ट्रैक्टरों का, और इसमें छोटा सा ट्विस्ट मैं देता हूँ कि जो जीतेगा ठीक है उसको उसको उसके हॉर्स पावर से बड़े ट्रैक्टर से लड़ाएंगे, बात को समझे, कि अभी तुम महिंद्रा को लड़ाना चाह रहे हो 200 मैली से बराबर है ठीक है, अब जो भी जीतेगा ना फिर वो 485 से लड़ेगा, और जो हार जाएगा ना ड्राइवर वो 485 चलाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो कोई भी उन दोनों में से हार जाएगा वो चलाएगा अगला ट्रैक्टर उससे बड़ा हॉर्स, मतलब अपन जॉन डियर चलाएंगे फिर, और जो पहले हारा है वो जॉन डियर चलाएगा, समझ गया ना। इस तरह से अपन अपने शेर से लड़ाएंगे सोनाली का साठ से, अब 500-500 तो निकाल दो कौन कौन गिनेंगे। तो बिल्कुल ठीक है, गई हो गई। हाँ तो भैया बात जो है बन चुकी है, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं यहीं से ठीक है ना, तो स्किप मत करना बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। अपन मतलब एक छोटे से वाक्य से शुरू हुआ ये इंसिडेंट, अब अपन इसको मुकाबले में बदल दिया है मैंने, छोटे से शुरू करेंगे बड़े हॉर्स पावर तक लेके जाएंगे, और ड्राइवर भी स्विच करते जाएंगे, जो हारा है वो बड़े हॉर्स पावर पर बैठेगा और जो जीता है वो नीचे रहेगा ठीक है ना। इस तरह से अपन सोनाली का 60 तक इस चीज को लेके जाएंगे, तो बने रहो वीडियो में। सबसे पहले मैं गाड़ी साइड में कर देता हूँ, अभी तक चालू है यार। भाई साहब सारी व्यवस्था हो चुकी है, सारे साधनों को अपन ने उस तरफ शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे कर लिया मैदान, और अपन टोचन भी हमारी आ चुकी है, अब ये करेंगे बीच में एक लाइन खींच दे रहे हैं और इस टोचन को बांधेंगे और खेल की शुरुआत करते हैं।
242 वर्सेस महिंद्रा 275। उसके बाद जो जीतेगा वो 485 से, जो 485 से जीतेगा वो जॉनडियर से, और जो जॉनडियर से जीतेगा वो सोनालिका 60 से। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। भैया चूना ले आओ चूना। तो भैया लाइन हमने खींच दी है और टोचन आ गई है जो कि बहुत भारी है और काफ़ी मजबूत है। देखो आप, बहुत मोटा है, और इसको अपन जब ट्रैक्टर जो है कीचड़ में फंस जाता है ना उस वक्त यूज़ करते हैं, ये वो टोचन है और इसको अपन इसमें यूज़ कर रहे हैं। ले आओ भैया अपने अपने, कौन कौन से लड़ा रहे थे? अरुण भाई कितनी ताकत लगा ले ट्रैक्टर की, खुद की भी लगा लेंगे ना ताकत तो वे जाते नहीं जीत पा रहा महिंद्रा पे। किसानों की सबसे बड़ी दोस्ती है कि महिंद्रा 275, बहुत पुरानी पहचान, मेरे जन्म पे ट्रैक्टर लाओ मेरे कक्का ने। तो भैया दोनों ट्रैक्टरों को लगा दिया है, अभी पहले इनको बराबर करना बाकी है क्योंकि आगे पीछे हैं, और सेम गियर में सेम वैसे अपन शुरू करेंगे, पहले गियर में फिर उसके बाद दूसरे गियर में, जैसे जैसे मतलब सेम गियर होने चाहिए, सेम आरपीएम, तो सब मतलब उठाने के बाद जितना चाहो वैसा खींचो, उठाएंगे सेम गियर पे। तो सबसे पहले इनको सीधा करवा लेते हैं, पहले बराबर कर लो भैया, लाइन के बराबर दूरी पे होने चाहिए दोनों। तो ये ऑयल में गंदा एक कपड़ा है मेरे पास, और इसको मैं जैसे ही डालूंगा वैसे ही जो है मैं एक काम करता हूँ, सीताराम भैया को दे देता हूँ, लो ये जैसे ही तुम नीचे गिराओगे ये शुरू कर देंगे, ठीक है ना? रेडी डालो। ओ महिंद्रा की तो बैंड बजा दी 242 में। ले गया ले गया ले गया ले गया। सोनू हल्के में मत लेना, हल्के में ले रहा था सोनू। पहले राउंड में स्पष्ट दिख रहा है कि महिंद्रा हार गया है, पहले राउंड में देखो वो कहाँ पहुंच गया, जाते देख छोड़ दी मैंने, मैंने कहीं तुमने जाकर यू ही रेस्पॉन्स देकर करियो, मैं
तो ठीक है ना, तीन राउंड रखना है, एक बार और कर ले रहे हैं, बराबर कर लो। तिरछो तिरछो नहीं, सीधो सीधो रखो। और टायर घिस जा रहे, टायर घिस जा रहे, देखियो यही देखो काला कर दिया है मिट्टी। अभी अभी सेकंड राउंड हैगा अरुण, तीन तीन बार करेंगे, एक बार हो गया ये जीत गया, ठीक है। अब दो मतलब लगातार दो बार जो जीत जाएगा ना वो जीत गया, ठीक है ना ये। अरे रुक जाओ रुक जाओ, खींच लो, दूसरा राउंड हैगा, उतर देखो उतर उतर आज तो खरीगी। ये स्टेबल हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है। दूसरे राउंड में कोई फैसला नहीं हुआ, ले गया ले गया ले गया ले गया, दूसरी बार में भी ले गया। तो भाई साहब तीन राउंड लड़ाए अपन ने ट्रैक्टरों को और बहुत सारे टायर घिस डाले इन लोगों ने, क्योंकि नीचे की जो जगह है वो काफ़ी हार्ड है और खेतों वेतों में तो काफ़ी भुरभुरा होता है, लेकिन तीनों राउंडों में ये जीत गया है। और अब जो है अपन इसको लड़ाएंगे इससे, मतलब आइसर वर्सेस आइसर 242 वर्सेस 485, इसको साइड में कर दो, टोचन के काम का ये नहीं है, इसको रख देते हैं। तो अब मुकाबला होगा 242 वर्सेस 485 का, तो बने रहो, फटाक से लेके आते हैं 485 को। और अब क्या करेंगे, अब अपन 242 को उस तरफ करेंगे, 485 को इस तरफ करेंगे, जगह स्विच कर देते हैं, शायद जगह की वजह से कोई अंतर हो सकता है। ये गलती अपन ने पहले मुकाबले में करी है, क्योंकि जब इनको इंटरचेंज करना चाहिए था, अदल बदल करना चाहिए था, एक ही जगह पर अपन ने करा है, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे अपन, अगले मुकाबले में आगे पीछे कर देंगे। तो शुरू करते हैं। भाई साहब इस मुकाबले की अगले पड़ाव की शुरुआत करते हैं 485 से, और सोनू हार गया था महिंद्रा से, इसलिए सोनू को दिया है 45 हॉर्स पावर का 485, और अरुण वही चलाएगा, अरुण वही चलाएगा, ठीक है। और भैया इसको तो कर दो, टोचिन कर दो, सितरम भैया पीछे करो, भैया पीछे करो, तो सेकंड पड़ाव में देखते हैं कौन जीतता है। गजब गजब, अरे कर नहीं पाए हैं।
लगता है जीत जाएगा फोरेट भाई। का मुकाबला बहुत दिख रहा है, सेम ब्रांड आइसर वर्सेस आइसर। अरे गया गया गया, अरे गया, एक पहिया ही चलता है इसका, ये वाला पहिया ज्यादा ताकत लगाता है, ये घूमता ही नहीं है, ये कंटिन्यू घूमता रहता है, ये घूमता ही नहीं है, तो उसका फायदा आइसर 485 ने उठा लिया, पहले राउंड में जीत गए। एक बार और आपकी में ये करना है कि आइसर 485 को उस तरफ कर लो और 242 को इस तरफ कर लो, न्यूट्रल करके अल्टी पल्टी कर लो, जगह बदल लो, जगह 485 को सोनू उस तरफ ले आओ। मजा नहीं आ रहा लेकिन आपको, ये एक ही पहिया ताकत लगा रहा है ना इसका, और ये दोनों लगा रहा है। ले आओ पीछे ले आओ, अब की में अपन ने जगह स्विच करी है तो उससे फर्क आना चाहिए, और ये जगह का ही फर्क था कि पिछली बार ये जीत गया था और महिंद्रा हिल भी नहीं पाया, अब अपन ने महिंद्रा की जगह पे खड़ा कर दिया आइसर को और 242 को उसकी पुरानी जगह पे। अब देखते हैं, आओ वो कपड़ा कपड़ा उठा लो, कपड़ा टाइट कर लो, टाइट कर लो, थोड़ी सी टाइट कर लो, टोचन टाइट कर लो, टोचन टाइट कर लो, और वीडियो में रिवाइंड करके चेक करो भैया।